तो कैसे हैं तुम लोग? तुम लोग का स्वागत है एक और नए वीडियो में गॉड ऑफ वॉर की। आज हम लोग बात करने वाले हैं गॉड ऑफ वॉर 3 रीमास्टर के बारे में। जिन लोगों ने गॉड ऑफ वॉर 1 और 2 मिस कर दिया है, लिंक है डिस्क्रिप्शन में। तो आज हम बात करने वाले हैं गॉड ऑफ वॉर 3 के बारे में। तो लास्ट गॉड ऑफ वॉर 2 में ज़ूस भाग जाता है, अथीना मर जाती है और क्रेटोस वापस और गुस्से में आ जाता है। तो अब आगे क्रेटोस सारे टाइटन्स को टाइटन वॉर्स के टाइम से ले निकाल के यहाँ ले आता है। अब सारे टाइटन्स इंक्लूडिंग टाइटन गाया और क्रेटोस माउंट ओलंपस पे हमला करने वाले हैं। ऑन दी अदर हैंड ज़ूस के पास उसकी फैमिली है, उसके सारे भाई जो इंक्लूड करते हैं ज़ूस, पोसाइडन, हेडीज, हेलियोस, हर्मीस। ये सारे ही ओलंपियंस गॉड हैं जिनके पास अपनी खुद की यूनिक पावर है। हीलियोस सन गॉड है, हर्मीस इज द गॉड ऑफ स्पीड, हेडीज द गॉड ऑफ अंडरवर्ल्ड है जहाँ पे क्रेटोस दो बार जाके आ चुका है, और ज़ूस द किंग ऑफ ओलंपस। ज़ूस अपने दूसरे बेटे हरकुलिस को भी लेके आता है। हरकुलिस क्रेटोस का भाई है और ये सारे के सारे एक साथ इस वॉर में कूद पड़ते हैं। हर एक गॉड एक टाइटन को पकड़ लेता है। ऑन दी अदर हैंड पोसाइडन जो गॉड ऑफ वाटर है वो एक टाइटन को पानी में गिरा देता है। उस टाइटन की पावर से अपने आप को मर्ज करके खुद एक पानी का टाइटन बना के गाया पे हमला कर देता है। अब गाया अकेली बची है जो माउंट ओलंपस पे क्लाइम कर रही है। बाकी सारे टाइटन्स गिर के मर चुके हैं, सारे गॉड्स ने टाइटन्स को मार दिया है, गाया अकेली बची है। पर क्रेटोस पोसाइडन से वॉर करता है, उसको उसके टाइटन फॉर्म से बाहर निकाल देता है। जैसे ही वो उसको उसकी बॉडी से बाहर निकालता है उसकी पूरी पानी की बॉडी वापस से पानी में सबमर्ज हो जाती है। अब पोसाइडन इतना वीक है कि वो क्रेटोस से फाइट नहीं कर सकता है। पोसाइडन को वापस हील करने के लिए पानी में जाना पड़ेगा, पर क्रेटोस उसको पकड़ लेता है और अपनी उंगलियों से उसकी दोनों आँखें फोड़ देता है। और इसी के संग पोसाइडन द गॉड ऑफ वाटर पहला ओलंपियन गॉड यहाँ पर फॉल हो जाता है, मर जाता है। पोसाइडन के मरते ही जैसे ही पोसाइडन की बॉडी क्रेटोस पानी में फेंकता है, पूरे ओलंपस के आसपास विलेज में बाढ़ आ जाती है। सबको पता पड़ जाता है कि लॉर्ड पोसाइडन मर चुके हैं। अब क्रेटोस वापस से गाया के पास जाता है और गाया पे क्लाइम कर लेता है। अब क्रेटोस और गाया माउंट ओलंपस क्लाइम कर लेते हैं और क्रेटोस फाइनली ज़ूस के पास पहुँच जाता है। क्रेटोस ज़ूस को बोलता है कि वो पे करेगा उसने जितने भी बुरे काम किए हैं, जितने भी झूठ बोले हैं, उसके चक्कर में अथीना मरी है। पर फाइनली क्रेटोस को मारने आ गया है और ज़ूस का एंड और सारे ओलंपस का एंड यहीं पे होगा। ये देख के ज़ूस बहुत गुस्सा हो जाता है। ज़ूस आसमान में जाके अपना फेमस द बोल्ट ऑफ ज़ूस फेंक के मारता है, तो इससे गाया का शरीर पूरा डिस्ट्रॉय हो जाता है। गाया अपना कंट्रोल खो देती और माउंट ओलंपस से दोनों क्रेटोस और गाया नीचे गिर जाते हैं। लकीली गाया का हाथ एक पत्थर पर पड़ता है और गाया अपना कंट्रोल बना लेती है। क्योंकि गाया का शरीर पूरा पेड़ से बना हुआ है तो वो अपनी जड़ों से उस पत्थर को पकड़ लेती है। ऑन दी अदर हैंड क्रेटोस की पकड़ नहीं बन पा रही है, क्रेटोस अभी भी स्लिप हो रहा है। वो गाया को बोलता है कि कुछ करे और उसको बचाए वरना वो नीचे गिर जाएगा। गाया बोलती है कि ज़ूस से उसको बदला लेना है और गाया ने अभी तक क्रेटोस की बहुत हेल्प की है और वो और दोनों के गिरने से अच्छा है कि क्रेटोस गिर जाए नीचे और गाया बच जाए। अब क्रेटोस नीचे रिवर्स स्ट्रिक्स में गिर जाता है जहाँ पे हेडीज के सोल्स होते हैं जो क्रेटोस के सारा मैजिक, सारा हेल्थ सब कुछ चूस लेते हैं। क्रेटोस की स्ट्रेंथ भी चली जाती है। अब क्रेटोस वापस से बहुत वीक हो जाता है। क्रेटोस अब बहुत ज़्यादा वीक हो गया, उसका सारा मैजिकल पावर ख़त्म हो गया है। जो भी उसे गॉड्स, जो भी उसे पास्ट टाइटन्स ने दिया था वो सारी पावर्स उससे छीन लिए हेडीज ने और क्रेटोस हेडीज के रैम अंडरवर्ल्ड में आ जाता है। पर क्रेटोस ने अभी भी हार नहीं मानी है। वो ज़ूस को बोलता है कि लड़ाई अभी ख़त्म नहीं हुई है। वो अंडरवर्ल्ड में दो बार आ चुका है पर आज हेडीज के गेट्स ने, हेडीज ने उसको कभी भी होल्ड नहीं किया है और वो हमेशा की तरह थर्ड टाइम भी हेडीज के रैम से बाहर निकल जाएगा। अब क्रेटोस को वापस से अथीना मिलती है। अथीना इस बार गॉड फॉर्म में नहीं, इस बार स्पिरिट फॉर्म में आई है। अथीना क्रेटोस को बताती है कि ज़ूस गलत है, तो क्रेटोस अथीना को बोलता है कि अभी तक तो उसने ज़ूस को डिफेंड किया था, इवन ज़ूस के लिए वो खुद मर गई थी। पर अथीना क्रेटोस को बोलती है कि ज़ूस गलत है, उसके तरीके जो हैं उससे मैनकाइंड पूरा बर्बाद हो रहा है और इस बार वो क्रेटोस की हेल्प करने वाली है ताकि फाइनली वो ज़ूस को मार सके और पूरा मैनकाइंड बच सके। तो एज अ ट्रस्ट अथीना क्रेटोस को ब्लेड्स ऑफ अथीना की जगह एक अपग्रेडेड वर्जन ऑफ ब्लेड्स ऑफ एग्जाइल देती है। वो बताती है कि ये ब्लेड से वो सारे डीमन, सारे सोल्स को मार सकता है। वो एक पावरफुल ब्लेड्स, ये ब्लेड्स उसके जने में बहुत काम आएंगे। क्रेटोस को आगे 3 जजेस मिलते हैं जो उसको बताते हैं कि उसकी डेस्टिनी, उसकी आफ्टर लाइफ का डिसीजन वो तीनों लेंगे। एक जज उसको गिल्टी बताता है, एक जज उसको वर्दी बताता है, तीसरा जज बोलता है उसके डिसीजन पर डिपेंड करता है कि क्रेटोस अपनी डेस्टिनी ले पाएगा, आफ्टर लाइफ में जा पाएगा या नहीं।
क्रेटोस को आगे एक लड़की की आवाज़ आती है एक स्टैचू में से, उसको लगता है कि उसकी मरी हुई चाइल्ड कलाइपी है जिसकी आवाज़ हेडीज के हेलमेट से आ रही है, पर ऐसा नहीं होता है, ये कोई और चाइल्ड होता है जो उसका नहीं है। इतने में हेडीज क्रेटोस को चैलेंज करता है कि वो उसका वेट कर रहा है, और क्रेटोस बोलता है कि वो रेडी है उससे लड़ने के लिए। क्रेटोस को आगे स्मिथ गॉड हेफेस्टस मिलता है, उस स्मिथ को लगता है कि ज़ूस ने किसी आदमी को भेजा है उसको वापस से टॉर्चर करने के लिए, पर क्रेटोस को जब वो देखता है तो समझ आता है कि ये कोई और नहीं गोस्ट ऑफ स्पार्टा है। क्रेटोस उसको बोलता है कि वो सिर्फ एक ओलंपियन गॉड से बदला लेने आया है, वो हेफेस्टस कुछ भी नहीं करेगा, उसको बस फ्लेम का रास्ता चाहिए। तो हेफेस्टस उसको बताता है कि कोई भी गॉड या कोई भी मैन उस फ्लेम को टच नहीं कर सकता है। तो क्रेटोस बोलता है कि उसे सिर्फ उसका रास्ता चाहिए। हेफेस्टस उसको बोलता है कि अगर वो अपना वे अंडरवर्ल्ड के थ्रू निकाल सकता है तभी जाके वो फ्लेम को ढूंढ पाएगा। क्रेटोस को आगे वापस से वो सेम लड़की का स्टैचू मिलता है, वो क्रेटोस को गोस्ट ऑफ स्पार्टा के नाम से बुलाती है। वो बताती है कि पूरा वर्ल्ड क्रेटोस से डरता है क्योंकि वो गोस्ट ऑफ स्पार्टा है, पर वो उससे डरती नहीं है। क्रेटोस को उसकी स्टैचू में से ब्लेड ऑफ ओलंपस मिलता है जो उसके हाथ से तब गिर गया था जब वो गाया की पीठ से नीचे गिरा था। क्रेटोस ब्लेड ऑफ ओलंपस निकाल लेता है। अब वापस से क्रेटोस के पास ब्लेड ऑफ ओलंपस है, चाहते जाते वो लड़की उसको बोलती है कि अगर वो उसको फ्री कर पाए तो वो बहुत अच्छी बात होगी, पर क्रेटोस अभी हेडिस पे कॉन्सेंट्रेट कर रहा है तो वो उसको बोलता है कि अभी उसके पास इन सब चीज़ों के लिए टाइम नहीं है, और वो आगे चला जाता है। क्रेटोस को आता दिख हेडिस अपने स्टैचू के अंदर छुप जाता है और अपना स्टैचू ब्लॉक कर लेता है, पर क्रेटोस उसकी वाइफ का कॉफिन यूज़ करके उसका स्टैचू तोड़ देता है और फाइनली हेडिस से बैटल करता है। क्रेटोस हेडिस को बैटल में हरा देता है और हेडिस का सोल ले लेता है। अब क्योंकि क्रेटोस के पास हेडिस का सोल है और क्लॉज ऑफ हेडिस हैं तो क्रेटोस आराम से रिवर्स ट्रिक्स में तैर सकता है, कोई भी सोल उसको तंग नहीं करेगा। हेडिस के मरते ही सारे सोल्स हेडिस के बॉडी से निकल जाते हैं। हेडिस ने जितनी भी बैटल्स की थी, जितने भी सोल्स कैप्चर किए थे अपने अंदर, सारे सोल्स उसकी सारी पावर निकल जाती है। ऑन दी अदर हैंड अब क्योंकि हेडिस की बॉडी में हेडिस का सोल नहीं है तो सारे सोल्स हेडिस की बॉडी को खा जाते हैं। क्रेटोस रिवर्स ट्रिक्स में तैर के हेफेस्टस के पास जाते हैं। हेफेस्टस से पूछता है कि क्या उसने गॉड ऑफ अंडरवर्ल्ड हेडिस को मार दिया। उसको लगता था कि ओलंपियंस को मारना बहुत डिफ़िकल्ट है, पर क्रेटोस बोलता है कि उस गॉड ऑफ अंडरवर्ल्ड हेडिस को मार दिया है। अब क्रेटोस हेफेस्टस से बोलता है कि उसको एक हाइपेरियन गेट यूज़ करना है, पर हेफेस्टस को बताता है कि ये गेट बहुत सेंचुरी से बंद पड़ा हुआ है, इसको यूज़ करने के लिए एक मैन को एक गॉड का सोल चाहिए तभी वो गेट यूज़ कर सकता है। आगे हेफेस्टस क्रेटोस को बताता है कि हेफेस्टस आगे बताता है कि वो हमेशा से मास्टर नहीं था, वो ओलंपस का बहुत ही प्राइज्ड, बहुत ही ज़्यादा फेमस क्राफ्टमैन था, इसलिए ज़ूस ने उसको एक गिफ्ट किया था। ज़ूस ने उसकी शादी करवाई थी एफ्रोडाइट से, पर जिस दिन क्रेटोस ने एरिस को मारा और पेंडोरा बॉक्स खोला उस दिन ज़ूस बहुत गुस्से में आके पागल हो गया। उसने उसकी बेटी पेंडोरा उससे छीन ली और हेफेस्टस को हमेशा हमेशा के लिए यहाँ पे कैद कर दिया। अब हेफेस्टस उसकी याद में रोज़ एक स्टैचू बिल्ड करता है, उसको रिक्रिएट करता है ताकि उसकी बेटी उसको वापस मिल जाए। वो क्रेटोस को बोलता है कि प्लीज़ उसकी डॉटर उसको वापस लेके आए, और वो क्रेटोस को ये भी याद दिलाता है कि वंस क्रेटोस खुद एक फादर था। जैसे ही क्रेटोस हैपेन गेट के पास पहुंचता है अथीना उसको वापस याद दिलाती है कि उसको ज़ूस को मारना है, ज़ूस को मारना ही उसके जर्नी का एंड है और ज़ूस को मारने से मैनकाइंड का अच्छा होगा, ज़ूस को मारना ही द लास्ट ऑप्शन है और वो अपनी जर्नी ना भूल। क्रेटोस अथीना को प्रॉमिस करता है कि वो ज़ूस को मारेगा और अपना बदला पूरा करेगा। क्रेटोस जैसे ही हैपेन गेट यूज़ करता है वो वापस सिटी ऑफ ओलंपिया में जाता है। वहाँ पे आगे चल के उसको गाया मिलती है जो बहुत ही ज़्यादा जख्मी हालत में होती है क्योंकि लास्ट टाइम ज़ूस ने उसको बोल्ट से मारा होता है। गाया जब क्रेटोस को देखती है तो बहुत खुश हो जाती है और उसको बोलती है कि जल्दी से मेरी हेल्प करे ताकि हम वापस से माउंट ओलंपस चढ़ के ज़ूस को मार सके। पर इस बार क्रेटोस उसको बोलता है कि लास्ट टाइम उसने क्रेटोस की हेल्प नहीं की थी और वो उसके बिना ही माउंट ओलंपस क्लाइंब कर रही थी। पर गाया उसको बोलती है कि उसके पास कोई और चॉइस नहीं था, अगर वो क्रेटोस की हेल्प करती तो दो नीचे गिर जाते हैं, पर इस बार क्रेटोस गाया की हेल्प नहीं करता है। क्रेटोस को बोलता है कि ये वॉर उसका है गाया का नहीं, और इसी के संग वो ब्लेड ऑफ ओलंपस चार्ज करके गाया के हाथ में घुसेड़ देता है जिससे गाया का हाथ अलग हो जाता है और गाया माउंट ओलंपस से नीचे गिर जाती है। क्रेटोस को आगे सन गॉड हीलियोस मिलता है जो एक टाइटन से फाइट कर रहा होता है। हीलियोस का पूरा ध्यान टाइटन के ऊपर होता है। इतने में क्रेटोस एक एरो से हीलियोस का रथ तोड़ देता है, और क्योंकि हीलियोस का रथ टूट गया है तो टाइटन हीलियोस के हाथ में पकड़ के उसका रथ फोड़ के उसको दीवार में फेंक के मारता है जिससे वो बहुत ज़्यादा जख्मी हो जाता है। क्रेटोस ये देख के इस चीज़ का फ़ायदा उठाता है और हीलियोस के पास जाता है।
हीलियस उसको बोलता है कि लास्ट टाइम में क्रेटोस ने उसकी हेल्प की थी, उसको याद है कि क्रेटोस ने उसको एटलस से बचाया था, और अगर वो उस बार उसकी वापस हेल्प करेगा तो उसको डबल पेमेंट करेगा और वो कुछ भी भूला नहीं है। क्रेटोस हीलियस से पूछता है कि अगर उसको हेल्प करनी है तो जल्दी बताया कि फ्लेम कहाँ पे है ताकि वो ज़ूस को मार सके। पर हीलियस हंस लगता है, उसको बोलता है कि क्रेटोस कभी भी ज़ूस को नहीं मार पाएगा। ये सुनकर क्रेटोस बहुत गुस्सा हो जाता है, पर इस बार क्रेटोस उसकी सुनता नहीं और उसकी मुंडी पकड़ के उसकी मुंडी उखाड़ देता है, और इसी के संग थर्ड ओलंपियन गॉड मर जाता है। क्रेटोस को फाइनली फ्लेम ऑफ ओलंपस मिल जाता है, और फ्लेम ऑफ ओलंपस कुछ और नहीं बल्कि पैंडोरा बॉक्स होता है। ये वो सेम बॉक्स है जो क्रेटोस ने गॉड ऑफ वॉर 1 में खोला था और एरिस को मारा था। क्रेटोस फ्लेम को हाथ लगाने वाला होता है, इतने में अथीना आती है, उसको बोलती है कि इसको हाथ मत लगाना वरना तो मर जाओगे। ये सेम बॉक्स है जो क्रेटोस ने पहले खोला था एरिस को मारने के लिए। अथीना क्रेटोस को बताती है कि जब टाइटन वॉर ज्यूस ने किया था तो उस टाइटन वॉर के बाद बहुत सारी ईवल पावर थी जो अगर ज्यूस ने खुली छोड़ी तो गॉड्स और मैनकाइंड दोनों ख़त्म कर देंगी। तो ज्यूस ने हेपेटाइटिस को कहा था एक बॉक्स बनाने के लिए जिसके अंदर वो ये सारी पावर्स कैद कर सकता है। इन पावर्स में था फियर, ग्रीड, हेट। जब क्रेटोस ने वो बॉक्स खोला तो फियर वाली पावर ज्यूस के पास चली गई, इसलिए ज्यूस का बिहेवियर इतना चेंज हो गया। अथीना उसको बताती है कि इसे खोलने के लिए उसको एक की चाहिए जिसका नाम पैंडोरा है, और उसको उस चाइल्ड को ढूंढना पड़ेगा तभी वो पैंडोरा बॉक्स वापस से खोल पाएगा। क्रेटोस को आगे हर्मीज मिलता है। हर्मीज इज द गॉड ऑफ स्पीड एंड द फोर्थ ओलंपियन। हर्मीज क्रेटोस की स्पीड का मजाक उड़ाता है कि वो बहुत स्लो है। क्रेटोस हर्मीज को बहुत देर तक चेस करता है, और उसके बाद क्रेटोस फाइनली हर्मीज को इंजर कर देता है। इंजर होने के बाद हर्मीज स्लो हो जाता है, और इसी के संग क्रेटोस हर्मीज को मार देता है और हर्मीज की टाई काट लेता है, उसके शूज़ खुद के लिए यूज़ करता है। अब क्रेटोस के पास बूट्स ऑफ हर्मीज है जिससे क्रेटोस भी हर्मीज की स्पीड से भाग सकता है और वॉल क्लाइंब कर सकता है, और इसी के संग फिफ्थ ओलंपियन गॉड भी मारा जाता है। पैंडोरा को ढूंढने के जर्नी में क्रेटोस को हीरा मिलती है। हीरा जो ज्यूस की वाइफ है और हर्क्यूलिस की मॉम है। हीरा क्रेटोस से बहुत गुस्सा है क्योंकि उसने उसके चाइल्ड एरिस को मार दिया, और अब वो उसके पति की भी बिचारा है ज्यूस। तो हीरा हर्क्यूलिस को बहका देती है। हर्क्यूलिस जो कि क्रेटोस का भाई है, अब वो उससे बहुत ज़्यादा जलस फील करता है। हर्क्यूलिस क्रेटोस को बोलता है कि ज्यूस हमेशा से उसको पसंद था, हमेशा से ज्यूस ने उसको अपना फेवरेट माना है। हर्क्यूलिस को बोलता है कि वो हमेशा सिर्फ स्टेबल साफ करता था, और उसको आज तक ज्यूस ने कोई बड़ा टास्क नहीं दिया। और ज्यूस ने एरिस को मारने के लिए भी क्रेटोस को चूज़ किया, हर्क्यूलिस को चूज़ नहीं किया। हर्क्यूलिस को कभी भी बड़ा टास्क नहीं दिया। हर्क्यूलिस बोलता है कि ज्यूस ने क्रेटोस को बहुत फेमस किया कि कैसे एक मैन, एक मॉर्टल ने एक गॉड को मारा, कैसे उससे गॉड ऑफ वॉर बनाया, कैसे उसे फेमस किया। हर्क्यूलिस जलता है क्रेटोस से, पर हर्क्यूलिस अब ज्यूस को दिखाएगा कि वो क्रेटोस को मार सकता है, और क्रेटोस को मार के वो नेक्स्ट गॉड ऑफ वॉर बनेगा। पर क्रेटोस एज यूजुअल हर्क्यूलिस को उसी के वेपन से मार देता है। क्रेटोस हर्क्यूलिस के वेपन से हर्क्यूलिस का मुंह फोड़ देता है, और इसी के संग क्रेटोस अपने भाई हर्क्यूलिस को मार देता है। क्रेटोस को आगे पोसाइडन की एक स्लेव मिलती है। उस स्लेव को लगता है कि गोस्ट ऑफ स्पार्टा उसको बचाने आया है, पर वो स्लेव को गेट में घुसेड़ के मार देता है और उसको स्लेवरी से फ्री कर देता है। क्रेटोस को आगे एफ्रोडाइट का चेंबर मिलता है, और जब क्रेटोस वो चेंबर से हाइपेरियन गेट लेता है तो हेफेस्टस को लगता है कि एफ्रोडाइट उससे फाइनली मिलने आई है, पर जब वो देखता है कि गोस्ट ऑफ स्पार्टा आया है तो उसको बहुत बुरा लगता है। क्रेटोस को बोलता है कि कैसे उसे पैंडोरा बॉक्स खोलने के लिए वापस से पैंडोरा चाहिए। ये सुनने के बाद हेफेस्टस को बोलता है कि वो पैंडोरा से दूर रहे, और उसे बहुत गुस्सा करता है। हेफेस्टस क्रेटोस को बताता है कि कैसे उसने पैंडोरा बॉक्स बनाया और उसके अंदर सारी पावर सील कर दी, पर पैंडोरा बॉक्स को खोलने के लिए एक चाबी चाहिए थी। जब उसने चाबी फोर्ज की तो उस चाबी ने एक चाइल्ड का रूप ले लिया। वो चाइल्ड ना तो जिंदा थी ना मरी हुई थी, पर वो चाइल्ड हेफेस्टस को खुद की चाइल्ड की तरह लगी। और जब ज्यूस पैंडोरा बॉक्स लेने आया तो उसने पैंडोरा को छुपा लिया, और हेफेस्टस ने ज्यूस को बताया कि द सेफेस्ट प्लेस इज कि वो क्रोनोस की पीठ पे पैंडोरास बॉक्स को रख दे पैंडोरा टेंपल में। पर जब क्रेटोस ने पैंडोरास बॉक्स खोला तो ज्यूस को बहुत गुस्सा आया, और ज्यूस ने पैंडोरा को हेफेस्टस से अलग कर दिया और हेफेस्टस को यहाँ बंद कर दिया हमेशा हमेशा के लिए। हेफेस्टस को बताता है कि अगर क्रेटोस पैंडोरा को पैंडोरा बॉक्स के पास ले गया या फ्लेम के पास ले गया तो पैंडोरा हमेशा हमेशा के लिए मर जाएगी। पर क्रेटोस को बोलता है कि वो कुछ भी करने को तैयार है, एट द एंड उसको ज्यूस को मारना ही मारना है। यहाँ पे हेफेस्टस पैंडोरा को सेव करने के लिए क्रेटोस को ट्रिक करता है, उसको बोलता है कि अब वो उसकी हेल्प करेगा, पर अगर उसको ज्यूस को मारना है तो वो उसको एक ऐसा वेपन बना के देगा जो बहुत पावरफुल है, पर उसके लिए उसको ऑम्फालस स्टोन चाहिए। जब क्रेटोस ऑम्फालस स्टोन लेने जाता है तो उसे क्रोनोस मिलता है,
क्रोनोस क्रेटोस को ब्लेम करता है कि उसने गाया को मार दिया है, उसके अलावा और क्रोनोस क्रेटोस को बोलता है क्योंकि क्रेटोस ने पैंडोरा बॉक्स खोला एरीज को मारने के लिए, उसके वजह से ज़ूस ने उसको सजा दी और उसको हमेशा हमेशा के लिए पिट्स ऑफ टाइटस से बंद कर दिया। क्रेटोस क्रोनोस को बोलता है कि ज़ूस ने उसको बोला था एरीज को मारने के लिए, पर क्रोनोस इसकी बात नहीं मानता है और क्रोनोस क्रेटोस को ये ब्लेम करता है क्योंकि उसके वजह से ही वो पिट्स ऑफ टाइटस से बंद हो गया है। अब क्योंकि क्रेटोस उसके हाथ में खुद चल के आया है तो इस बार वो बदला लेगा और क्रेटोस को मार देगा। क्रेटोस फाइनली क्रोनोस को मार देता है। क्रेटोस क्रोनोस के सिर में ब्लेड्स ऑफ ओलंपस डाल देता है, जो ब्लेड ज़ूस ने बनाया था टाइटन वॉर एंड करने के लिए, उसी ब्लेड से क्रेटोस क्रोनोस को मार देता है। इसी के संग क्रोनोस का अंत हो जाता है। क्रोनोस द टाइटन एंड फादर ऑफ द ज़ूस। जब क्रेटोस वापस से हेफेस्टस के पास आता है स्टोन लेके, तो हेफेस्टस को वेपन बना के देता है, पर हेफेस्टस क्रेटोस को मारने की कोशिश करता है ताकि वो पैंडोरा को सेव कर ले, पर एट द एंड क्रेटोस हेफेस्टस को भी मार देता है। अब क्रेटोस पैंडोरा की तलाश में हीरा के गार्डन में पहुंचता है। हीरा उसको ब्लेम करती है कि उसके वजह सब कुछ खराब हो रहा है, उसका पूरा गार्डन डिस्ट्रॉय हो रहा है, उसके सारे पेड़ पौधे मर रहे हैं, कि कैसे क्रेटोस ने उसकी पूरी फैमिली ख़राब कर दी और अब वो उसके अकेले पति को मारने वाला है। हीरा उसको रोकने की कोशिश करती है, उसको बोलती कि वो जो भी चीज़ टच करता है वो सब खराब हो जाती है, पर क्रेटोस हीरा को छोड़ देता है। पर जैसे ही हीरा पैंडोरा के बारे में बुरा बुरा बोलती है, क्रेटोस को गुस्सा आता है और वो उसको मार देता है। क्रेटोस को फाइनली पैंडोरा लैब्रेथ के आगे मिल जाती है, पर जब क्रेटोस पैंडोरा के पास जाता है, जब पैंडोरा क्रेटोस को बताती है कि ज़ूस ने उसको मना किया था पैंडोरा को कि पैंडोरा कभी भी क्रेटोस से बात नहीं करे, उसे कुछ बताए ना, अगर पैंडोरा क्रेटोस से बात करेगी तो वो उसके फादर को हर्ट करेगा और क्रेटोस को मार देगा। पर ये सब क्रेटोस जब सुनता है तो क्रेटोस को पैंडोरा से एक फीलिंग डेवलप हो जाती है। क्रेटोस को लगता है कि पैंडोरा उसकी खुद की चाइल्ड है। पैंडोरा क्रेटोस को थैंक्स बोलती है कि वो उसको बचाने आया है। पैंडोरा क्रेटोस को बताती है कि वो डरी हुई नहीं है, उसने देखा है ज़ूस को उसके फादर को टॉर्चर करते हुए, उसकी वजह से उसके बाद टॉर्चर हुए हैं, तब वो बहुत डरी हुई थी पर अब नहीं है, अब वो रेडी है अपनी जर्नी पूरी करने के लिए, क्योंकि अब उसके पास द पावर ऑफ होप है। और पैंडोरा क्रेटोस को बोलती है कि होप इज व्हाट मेक्स अस स्ट्रांग, इट इज व्हाई वी आर हियर, इट इज व्हाट वी फाइट विद व्हेन ऑल एल्स इज लॉस्ट। क्रेटोस को पैंडोरा के लिए फीलिंग्स डेवलप होने लगी, उसको लगता है इसकी खुद की बेटी है, पर इसी टाइम एथीना आके क्रेटोस को बोलती है, रिमेंबर योर पर्पस स्पार्टन, रिमेंबर व्हाई यू हैव कम सो फार, प्रिपेयर योरसेल्फ स्पार्टन, यू नो व्हाट यू मस्ट डू। अब पैंडोरा फाइनली फ्लेम में घुसने वाली होती है और पैंडोरास बॉक्स खोलने वाली होती है, पर उसी टाइम क्रेटोस उसको रोक लेता है और बोलता है कि ये मत करो, हम कोई और वे ढूंढ लेंगे। क्रेटोस इमोशनल हो जाता है, पर पैंडोरा उसको बोलती है कि कोई और वे नहीं है, ये मेरी डेस्टिनी है, मुझे पूरा करना पड़ेगा। पर इतने में ही ज़ूस आ जाता है। ज़ूस उसको बोलता है कि पैंडोरा सिर्फ एक चाबी है, उसकी बेटी नहीं। ज़ूस पैंडोरा को दूर फेंक देता है और पैंडोरा बेहोश जाती है, और इसी के संग द फाइनल बैटल बिगिंस, ज़ूस वर्सेस क्रेटोस, फादर वर्सेस सन। पर बीच फाइट में पैंडोरा को होश आता है और पैंडोरा वापस से फ्लेम की तरफ भागने लगती है, और इस बार क्रेटोस आके वापस रोक लेता है और बोलता है कि मत जाए, पर इस बार ज़ूस बोलता है कि उसको रोक ले, क्योंकि ज़ूस को पता होता है कि अगर इस बार क्रेटोस ने बॉक्स खोला तो ज़ूस पक्का मर जाएगा। पर क्रेटोस को पता है कि उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं है, उसको पैंडोरा को जाने देना पड़ेगा। क्रेटोस पैंडोरा को छोड़ देता है, पैंडोरा फ्लेम में घुस जाती है और अंधेरा छा जाता है। जब क्रेटोस उठता है तो उसको पैंडोरास बॉक्स दिखता है, पर जब क्रेटोस पैंडोरास बॉक्स खोलता है तो इस बार पैंडोरास बॉक्स खाली होता है और क्रेटोस को लगता है कि पैंडोरा बेचारी फालतू में ही मर गई। ऑन द अदर एंड ज़ूस हंसने लगता है, ज़ूस लगता है कि अब वो जीत गया है, उसने क्रेटोस को वापस से पागल बना दिया है, वो इतनी दूर तक आया सिर्फ ये देखने के लिए, और उस पर हंसने लगता है। क्रेटोस को बहुत गुस्सा आता है, पर ज़ूस वहाँ से भाग जाता है। और फाइनली क्रेटोस और ज़ूस की बैटल चालू होती है। क्रेटोस और ज़ूस फाइट कर रहे होते हैं, इतने में मदर टाइटन गाया वापस से माउंट ओलंपस क्लाइम कर लेती है। इसका मतलब गाया मरी नहीं थी, क्रेटोस को गलत फैमिली हुई थी। गाया क्रेटोस को बोलती है कि क्रेटोस की वजह से सारे टाइटन्स मर गए हैं, बच्चे कुछ टाइटन्स भी ब्लीड कर रहे हैं। गाया बोलती है कि उसका कभी इंटेंशन नहीं था कि वो क्रेटोस को मारे, पर अब क्रेटोस ने कोई चॉइस छोड़ी नहीं उसके लिए, तो आज वो दोनों फादर और सन को यहीं पर ख़त्म कर देगी और माउंट ओलंपस यहीं ख़त्म हो जाएगा। क्रेटोस और ज़ूस गाया के अंदर फाइट करते हैं। क्रेटोस ब्लेड ऑफ ओलंपस ज़ूस और गाया के हार्ट में एक साथ डाल देता है, जिससे गाया मर जाती है, साथ ही साथ ज़ूस ही मर जाता है। पर जैसे ही क्रेटोस ज़ूस की बॉडी में से ब्लेड ऑफ ओलंपस बाहर निकालता है, ज़ूस की मरी हुई बॉडी में से ज़ूस की स्प्रिट फॉर्म बाहर निकलती है, जो ज़ूस का फियर होता है, और वो क्रेटोस की सारी पावर सारे वेपन्स ले लेती है। ज़ूस का फियर क्रेटोस पे हावी हो जाता है
और क्रेटोस डार्कनेस में चला जाता है, पर डार्कनेस में क्रेटोस को पेंडोरा देखती है, पेंडोरा विद द पावर ऑफ होप, और क्रेटोस को पेंडोरा के वो शब्द याद आते हैं जो उसने पहले क्रेटोस को बताए थे, और क्रेटोस डार्कनेस से बाहर आ जाता है और फाइनली ज़ूस के फियर को अपनी पावर ऑफ होप से वो ख़त्म कर देता है, और इसी के संग ज़ूस का एंड हो जाता है। ज़ूस को मारने के बाद अथेना क्रेटोस को बोलती है कि जो पावर उसको पेंडोरस बॉक्स से मिली है वो उसको वापस करे, पर क्रेटोस को बोलता है कि पेंडोरस बॉक्स पहले से ही खाली था। पर जब अथेना क्रेटोस की आंखों में देखती है, उसको पावर देखती है, द पावर ऑफ होप, तब अथेना समझ जाती है कि पावर अभी भी क्रेटोस के अंदर है। अथेना क्रेटोस को बोलती है कि वो उसकी आंखों में वो पावर देख सकती है, वो उसके अंदर अभी भी है। अथेना उसको बताती है कि जब ज़ूस ने पेंडोरा बॉक्स के अंदर सारी पावर बंद की तो अथेना को लगा कि अगर वो बॉक्स खोलेगा तो क्या होगा, तो अथेना ने उन सारी ईविल पावर्स के संग एक अच्छी पावर रखी, द पावर ऑफ होप। पर क्रेटोस को बोलता है कि पेंडोरा फालतू में ही मरी, जब उसने बॉक्स खोला तो बॉक्स पूरा खाली था, उसके अंदर कुछ भी बाहर नहीं आया। अथेना उसको बोलती है कि क्रेटोस ने उसकी पावर यूज़ किए, द पावर ऑफ होप टू किल ज़ूस। पर एट लास्ट अथेना को समझ में आता है कि जब क्रेटोस ने फर्स्ट टाइम पेंडोरस बॉक्स खोला एरिस को मारने के लिए, तब जितनी भी ईविल पावर थी वो सारी गॉड्स के पास गई, तभी ज़ूस का बिहेवियर चेंज हो गया क्योंकि ज़ूस को फियर वाली पावर मिल गई थी। ज़ूस बहुत डर गया, इसलिए ज़ूस इतना ऑब्सेस्ड हो गया था कि उसे क्रेटोस को मारना है, क्रेटोस को ख़त्म करना है। अथेना को लगा कि उसकी पावर होप वाली कभी यूज़ हुई नहीं है। अथेना को लगा जब क्रेटोस ने फर्स्ट टाइम पेंडोरस बॉक्स खोला एरिस को मारने के लिए तो उसको पावर ऑफ ईविल मिली, पर वो गलत थी। एक्चुअली उसको पावर ऑफ होप मिली जो अथेना की पावर थी। अथेना समझ जाती है कि इसलिए ज़ूस कभी क्रेटोस को मार ही नहीं पाया क्योंकि क्रेटोस के पास होप की पावर थी जो उसके बहुत अंदर दबी हुई थी, और ज़ूस कभी भी अपने फियर को ओवरकम कर ही नहीं पाया, इसलिए ज़ूस हार गया और क्रेटोस जीत गया। अब अथेना क्रेटोस को बोलती है कि उसको उसकी पावर वापस चाहिए, उसने क्रेटोस की बहुत हेल्प की, उसने क्रेटोस को मॉर्टल से गॉड बनाया, ज़ूस को मारने में हेल्प की, अब टाइम आ गया है कि उसकी पावर उसको वापस करे वो। पर क्रेटोस उसकी बात मानता नहीं है क्योंकि क्रेटोस का वेंजेंस ख़त्म हो गया है, अब क्रेटोस के पास करने को कुछ भी नहीं है, तो इट्स टाइम क्रेटोस ब्लेड ऑफ ओलंपस अपने आप में मार लेता है, और इसी के संग सारी पावर और सारी पावर ऑफ होप मैनकाइंड के बीच में फैल जाती है। अथेना ये देख के गुस्सा हो जाती है और क्रेटोस को वहाँ मरता हुआ छोड़ कर चली जाती है। पर क्रेटोस मरता नहीं है, क्रेटोस अपने आप को ढकेल के पानी में गिरा देता है, और इसी के संग गॉड ऑफ वॉर 3 ख़त्म हो जाता है। आई होप तुम लोग को मज़ा आया। इसी के साथ इन द नेम ऑफ ओलंपस गॉड ऑफ वॉर 3 यहाँ ख़त्म हो जाता है। तो ये बहुत ही इंसेन ट्रिलॉजी थी, गॉड ऑफ वॉर 1, 2, 3, आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट PS एक्सक्लूसिव गेम्स हैं ये। आई थिंक अभी की डेट में भी ये बेस्ट ऑफ द बेस्ट हैं, और आई होप तुम लोग को ये मज़ा आया। एज़ यूजुअल अगर मैंने कुछ छोड़ दिया हो तो लेट मी इन द कमेंट सेक्शन। बाय बाय, टेक केयर एवरीवन, एंड पीस आउट।